Good evening, everyone. Today we are going to further start 2.4 exercise from question number 6, page number 31. In previous video, we have done up to question number 5. Continue. Sixth question. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mahuli village. The length and the breadth of the plot is in ratio 11:4. So, let the length 11x of plot and breadth of plot 4x. Okay? At the rate of 100 per meter, it will cost the village panchayat 75,000 to the fence. टोटल फेंसिंग हमारी है 100 रुपीज की, तो सबसे देख लेंगे 100 रुपीज पर मीटर. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इसकी वैल्यूज डाल देंगे यहाँ पे एंड वी गेट 30x. For fencing at rupees 100 per meter is equals to, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, it becomes 3000x. Done. अब हमने फाइंड करनी है, उन्होंने टोटल फेंसिंग अमाउंट दे दी है हमारे पास कि आपको उनको फेंसिंग 75,000 रुपीज लगनी है. ठीक है, तो हम फाइंड कर लेंगे. दिस वी विल पुट इक्वल्स टू 75,000. सो जब ये इधर जाएगा डिवाइड होगा एंड इट्स आंसर विल बी 25. दिस इज नॉट एक्स, सो एल फाइंड करेंगे. टू 75 मीटर्स. बी विल फाइंड 100 meters. So this is your question number 6. Going towards question number 7. Seventh question is, Hassan buys two kinds of cloth material for school uniform. Shirt material that cost him 50 rupees per meter and jo trouser hai it cost 90 per meter. For every 3 meter shirt material, he buys 2 meter of the trouser मटीरियल और उसको वो प्रॉफिट भी बेचता है 12% ऑफ द शर्ट एंड 10% ऑफ द ट्राउजर रिस्पेक्टिवली और उसकी टोटल सेल होती है 36,600 रुपीज. तो आपने फाइंड करनी है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय. सो अभी हम ले लेते हैं जो आपका ट्राउजर मटेरियल है 7. लेट ट्राउजर मटेरियल 2x, शर्ट मटेरियल 3x. ठीक है, नाउ अभी हमने देखना है उसका प्रॉफिट. ठीक है, वो सेल कितने रुपीज का करता है. सेलिंग प्राइस फॉर ट्राउजर याद रहेगा आपका कितने रुपीज का बेचता है, वो खुद कितने का खरीदते हैं दैट इज 90 और उसके ऊपर वो कितना परसेंट लगाते हैं अपना प्रॉफिट का 10%. सो 10% ऑफ 90 दिस बिकम्स 99. सेलिंग प्राइस फॉर शर्ट दिस इज रुपीज 50 और उसके ऊपर अपना लगाते हैं 12%. 126 रुपीज 56. ठीक है, अभी नाउ विल व्हाट वी विल डू, ये उसका प्रॉफिट है. जितना मीटर कपड़ा लेते हैं ठीक है उतने को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस मनी से, जितना मीटर आप लोगे ठीक है
दिस इज फॉर 1 मीटर, ये 1 मीटर का प्रॉफिट है, तो जितने मीटर लेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे. सो फॉर शर्ट विल मल्टीप्लाई 3x × 56 एंड प्लस करेंगे 2x × 99 इक्वल्स टू हाउ मच मनी, 36,600 रुपीज. यही आपकी मनी है, उसका आ जाएगा 198x 168x. दिस प्लस कर देंगे इसको, दिस बिकेम 6 1 कैरी. This is equals to this. x = 100. And this is not your answer. Okay? You have to find for trouser. So trouser का क्या आ जाएगा? Trouser material. x × 2 × 100 = 200 meters. ठीक है, हमने फाइंड करना था कितना मटेरियल लगता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड. फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड. नाउ एट क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? फॉर एट क्वेश्चन सबसे पहले हम टोटल डियर्स विल टेक एज एक्स. ठीक है, नाउ हाफ ऑफ अर ग्रेजिंग, तो हम लिखेंगे डियर्स हु आर ग्रेजिंग. इसके हाफ ग्रेज करने हैं, सो ये. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज गिवन, 3/4 रिमेनिंग जो है वो प्ले कर रहे हैं नियर बाय. ठीक है, सो लिखेंगे यहां पे डियर प्लेइंग नियर बाय, ये जितने थे उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया हमारे पास इतने अपने बिजी हैं काम करने में. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हमने ड्रिंक कितने कर रहे हैं वाटर, डियर ड्रिंकिंग वाटर 9 है. अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स. सो टोटल इतने एक्स है, इन सभी को हम जब प्लस करेंगे इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा. ठीक है, सो वेन यू विल फाइंड एक्स, जो आपकी एक्स है वो आपकी आ जाएगी, जो एक्स है वो आपकी आ जाएगी 72. ठीक है, लेट्स फाइंड, इन दोनों को हम प्लस कर रहे हैं, एट एक्स प्लस ये प्लस 9 अलग से ही है, this going there, ये बन गया आपका 2 पे गया, ये चीज प्लस हो रही है उधर जाके, माइनस, जब ये माइनस हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ डियर्स आर 72. नाइन्थ क्वेश्चन वेरी इजी. ओके, नंबर 9. अ ग्रैंडफादर इज 10 इयर्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, सो लेट द ग्रैंडडॉटर्स एजेस
X and grandfather age 10 times F, उसकी डॉट रखे सो 10x, ठीक है. नेक्स्ट जो वो उसका ग्रैंडफादर है ही इज ऑल्सो 54 years ओल्डर देन हर. उसका जो ग्रैंडफादर है ठीक है वो 54 years ओल्डर है, ठीक है. ये चीज आ जाएगी आपकी, ठीक है. सॉरी प्लस जितना ग्रैंडफादर है अपनी बेटी से वो 54 years ज्यादा है, ठीक है. ओल्डर मीन ज्यादा, डोंट माइनस, ओके. ओल्डर मीन ज्यादा होता है, ठीक है. सो नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन. ये इधर प्लस हो रहा है, इधर के माइनस. 9x डॉटर इज 6 एंड ग्रैंडफादर इज ग्रैंडफादर्स एज गुड टी इयर्स, ओके. यहां पे भी लिखना है ग्रैंड ग्रैंड डॉटर x इक्वल्स टू 6 इयर्स, ठीक है. ये सारा कंप्लीट करना है, देन यू विल गेट फुल मार्क्स, अदरवाइज नॉट. लास्ट द 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन वी हैव अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज. Let sons is x Amans is 3 times his son. 10 years ago he was 5 times his son, ठीक है. यहां पे अब लिख लेते हैं 10 years ago son की एज 10 years ago. 10 years ago means पहले की बात हो रही है. This will come, ठीक है. And 5 times his son's age. 5 times था उसकी son's age का. Solve this. This going there, ये minus हो जाएगा 2x, plus हो जाएगा 40, x equals to 20. यहाँ पे लिखेंगे son's age equals to 20 years equals to x equals to and Aman's age equals to 3x. 3 into 20, 60 years, ठीक है. सो दिस वॉज 2.4 क्लास 8. वी हैव कंप्लीटेड 2.4 फॉर क्लास 8. इन नेक्स्ट वीडियो विल डू 2.5. सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.